Hello everyone, welcome to Commerce Study. Today we will discuss about the ethical dilemma. But before starting the topic, अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एथिकल डायलमा, और ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और विद एग्जाम्पल हम इस पूरे को टॉपिक को डिस्क्लैरिफाई कर लेंगे। टॉपिक को पूरा आपको क्लियर हो जाएगा एक ही एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एथिकल डायलमा क्या है। गाइस, इसकी हम एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में इसको डिस्क्रिप्शन को हम पढ़ेंगे। तो चलो एग्जाम्पल क्या है, देखो ए और बी, दे आर टू पर्सन्स। कौन कौन से पर्सन है? एक ए है और एक है बी, ठीक है। दोनों फ्रेंड्स हैं, वो दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उनका आपस में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, ट्रस्ट तो होगा ना ऑब्वियसली, उनका दोनों मतलब फ्रेंड्स हैं दोनों, ठीक है। तो वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं और ये उनका बॉस है, ठीक है, ये उनका बॉस है। ये दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो मिस्टर ए जो है उनके आप बी के साथ बहुत ट्रस्ट है, तो उसने ए ने बी को एक बात बताई। ए ने बी को बोला कि भी मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, लेकिन तू पे मैं ट्रस्ट करके बता रहा हूँ, तू आगे बॉस को मत बोल देना। हम बोल देना अपने फ्रेंड को कि आगे मत बता देना, तेरे को ही बता रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो बात सबको पता हो, होता है ऐसा, ठीक है। तो ए ने बी को बोला कि भी मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, तू बॉस को मत बताना, ठीक है। तो बी ने क्या बोला, बी ने बोला कि चल नहीं बताता, तू मेरे को बता तो सही क्या बात है ऐसी, ठीक है। तो ए ने बोला कि भी मैं ना ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसने उसे पूछा कि क्यों छोड़ के जा रहा है तू, तो इसने बोला कि भी ये जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी जो है वो कम मिलती है, और जो हमारे जो राइवल्स हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर वाली ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वहाँ पर जो है सैलरी है वो जो ज़्यादा मिलती है, ठीक है, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो बी ने बोला अच्छा, तो इसने से बोला कि तू बॉस को मत बताना, मैं एक नेक्स्ट वीक ही चला जाऊंगा, ठीक है। तो इसने बोला कि चलो ठीक है, तू मेरे पे ट्रस्ट करके मेरे को बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा बॉस को, ठीक है। तो सडनली क्या हुआ, इसने अपने माइंड में अपने बात को रख लिया कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बॉस ने सडनली बी को बुलाया अपने पास। तो बॉस ने बी को बोला कि भाई मैं ना नेक्स्ट वीक है ना मिस्टर ए को ना, किसको, मिस्टर ए जो छोड़ के जाने वाला है उसको ना प्रमोट करने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको प्रमोशन देंगे, उसकी सैलरी सुलरी सब बढ़ा देंगे भाई, ठीक है। तो भी बी अब बी जो है बी बी को बॉस ने बोला ना कि ऐसा कर देंगे ए को, अब बी सोच रहा है कि इसको तो प्रमोट कर रहे हैं जो छोड़ के जाना चाहता है, और मुझे वो प्रमोट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो बी जो है इस सिचुएशन में बी क्या सोच रहा है कि भी मैं बॉस को बताऊँ कि ना बताऊँ, बॉस को बता दूँ कि भी ऐसा वो तो छोड़ के जा रहा है, लेकिन बी जो है ऐसा सोचता है कि ट्रस्ट का रिलेशन भी है उसका, भी उसने बोला है कि बोलना नहीं है। तो बी जो है अभी यहाँ पे, अब ध्यान से सुन लेना, बी क्या है, बी दो सिचुएशन में फंस गया है। बी फंस गया या तो वो बॉस को बता दे बात को कि वो छोड़ के जा रहा है ए तो, और सेकंड है कि वो ना बताए, ठीक है। तो वो दो सिचुएशन में फंस गया कि उसे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए और बॉस को। तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एथिकल डायलमा। जब एक बंदा दो सिचुएशन के अंदर फंस जाता है कि वो ये काम करे या ना करे, एथिकल होगा या नहीं होगा, तो उसे बोलते हैं एथिकल डायलमा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन को अब पढ़ते हैं, अब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो एथिकल डायलमा क्या है, एन एथिकल डायलमा इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दैट ऑफन इन्वॉल्व अ मेंटल कन्फ्लिक्ट, दिमाग में उसके कन्फ्लिक्ट हुआ ना, बिटवीन द टू थिंग्स दैट इज मॉरल एंड इम्पेरेटिव्स। मतलब उसके दिमाग के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया कि मैं ऐसा करूं या ना करूं, ठीक है, क्योंकि उसकी वहां पे मॉरेलिटी भी आ गई, उसका फ्रेंड के साथ ट्रस्ट भी आ गया कि मैं मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसे बोलते हैं एथिकल डायलमा, जब एक पर्सन दो सिचुएशन में फंस जाता है, ठीक है। तो बी की सिचुएशन यहाँ पे क्या है, एथिकल डायलमा वाली है। अब सेकेंड हम पढ़ेंगे कि रिड्यूस द और रिजॉल्व द डायलमा। अब अगर ऐसी सिचुएशन हमारे पास आ गई है तो हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे इस सिचुएशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट है एस्टैब्लिश द कोड ऑफ कंडक्ट बनाना है फॉर किसके लिए, इम्प्लॉयज के लिए। कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे हम किसके लिए, इम्प्लॉयज के लिए। पहले से ही हमने रूल्स बना के रख लेने हैं भी, इस अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो आपने ऐसे डील करना है, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो आपको ऐसे डील करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हमने हर एक चीज़ का रूल्स टाइप बना रखे हैं एथिक्स के बेसिस पे। तो ऐसा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। अगर बी को पता होता कि इस सिचुएशन में वो फंस गया है, तो कोड ऑफ कंडक्ट हमारे ये कहते हैं कि बॉस को सारी बात बतानी है, ठीक है, तो वो बता देता, उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। तो कोड ऑफ कंडक्ट हमने डिफाइन कर लेने हैं। नेक्स्ट एम्प्लॉय हाई स्किल पीपल। हाई स्किल पीपल का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि जितना लोग पढ़े लिखे होंगे उतना ही वो एथिकल होंगे, ऐसा जरूरी तो नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे इसमें यहाँ पे ये मतलब है कि हाई
स्किल पीपल को हमें इम्प्लॉय करना है, हाई स्किल पीपल, यहाँ पे मतलब जो एथिक्स और अनएथिकल के बीच का डिफरेंस समझते हो और जिन्हें फटाफट डिसीजन लेना आता हो, ऐसे लोगों को हमें इम्प्लॉय करना है, ठीक है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड टू द इम्प्लॉयज़ हु मेंटेन गुड एथिकल कंडक्ट। अब जो इम्प्लॉयज़ अच्छा एथिकल कंडक्ट मेंटेन करके रखते हैं, उन्हें हमें क्या करना है, रिवॉर्ड प्रोवाइड करना है, ताकि जो बाकी के इम्प्लॉयज़ हैं वो भी उनमें भी मोटिवेशन आए ना, कि ताकि वो भी एथिकल वर्क करें, ठीक है। तो रिवॉर्ड सिस्टम अच्छा होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट है फॉलो द पर्सनल कोड ऑफ एथिक। अगर इस सिचुएशन में फंस गया पर्सन, तो ऐसा भी कर सकता है कि वो पर्सनल कोड ऑफ एथिक्स को भी फॉलो कर सकता है सिचुएशन में। नेक्स्ट है क्रिएट एथिकल वर्किंग एनवायरनमेंट। हमें सॉरी नेक्स्ट रह गया हमारा ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन, अब आपको है ना यहाँ से मैं बताती हूँ, ओपन कम्युनिकेशन, अगर सपोज करो कि ऐसा ओपन कम्युनिकेशन होता, ठीक है, इसे इसे इस अगर ओपन कम्युनिकेशन का सिस्टम होता ना, तो ए सीधा जाके बॉस को बोल देता कि भी मैं नौकरी अपनी छोड़ रहा हूँ, अपनी जॉब को छोड़ रहा हूँ और मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होता तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं आती, इसे बोलने की तो कुछ जरूरत ही नहीं थी, सो सीधा जाके वहाँ पर बोल देता, ठीक है। तो ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होगा तो एथिकल डायलमा वाली सिचुएशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट एथिकल वर्किंग इन्वायरमेंट। जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसे एथिकल रखो। नेक्स्ट है ट्राई टू अवॉइड दिस सिचुएशन। इस तरह की जो सिचुएशन है उनको अवॉइड करने की जो है वो कोशिश करनी चाहिए, ताकि इस तरह की सिचुएशन ही ना आए, इस तरह का हमें करना चाहिए, सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, और ऐसे हमने रूल्स ही बना लेने चाहिए, एथिकल इन्वायरमेंट ही बना लेना चाहिए, ताकि इस तरह की सिचुएशन ही ना आए, ठीक है। अवॉइड करने की के बारे में सोचना चाहिए हमें। तो ये हमारा क्या होगा, एथिक्स के बारे में हो गया, एथिकल डायलेमा क्या है विद एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और अब इसके बाद में हमने पढ़ा कि इसको कैसे, अगर इस सिचुएशन में हम फंस गए हैं तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम इसकी थियरीज के बारे में, ठीक है, कि एथिकल डायलेमा से रिलेटेड काफ़ी थियरी होती है, कॉन्सिक्वेंशियल एंड नॉन कॉन्सिक्वेंशियल एटसेट्रा, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो अब कर देना, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।